ओके सर। आपको मालूम है आज हम पुलिस कमेमोरेशन के संबंध में हम ये ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं। हम इसमें अपना चीफ गेस्ट मुरली कृष्ण साहब, एडिशन सीपी एडमिन साहब आके अपना चीफ गेस्ट के रूप में आके हमें अपना लोगों को पूरे लोगों को संदेश दिया है कि ब्लड जो होता है तो रेयर चीज़ है, उसको तैयार नहीं किया जा सकता, उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, अडल्ट्रेट नहीं किया जा सकता, उसको एक आदमी अपने बॉडी से निकाल के दूसरे आदमी को जिंदा रखने के लिए, लाइफ देने के लिए उसको देना पड़ता है। सो ब्लड आदमी को जिंदा कर सकता है, आदमी को लाइफ दे सकता है। जैसा कि जीवनदान में डिफरेंट ऑर्गन्स सभी लोगों को नया लाइफ दे सकता है, वैसा ब्लड भी बहुत कीमती चीज़ है, वो भगवान की देन है। जो ब्लड देने वाले जो होते हैं वो स्वयं भगवान होते हैं। सो आप अपने देश में, आपको मालूम है, हेल्थ और एडुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। बहुत गवर्नमेंट भी कर रहा है और प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं, मगर सर्विस एसोसिएशंस पब्लिक से भी बहुत लोग आना है। आपको मालूम है 17 साल से लेके 66 ईयर तक ब्लड दे सकते हैं। वॉइस तो मेल मेंबर्स एवरी 12 वीक्स को ब्लड दे सकते हैं, लेडीज एवरी 16 वीक्स को ब्लड दे सकते हैं। हम एवरी ईयर 3 मिलियन यूनिट्स ऑफ ब्लड कम हो रहा है अपने देश में। ब्लड नहीं मिलने से के वास्ते लोग मर रहे हैं। आपको मालूम है डेंगू के लिए, प्लेटलेट्स के लिए, हर एक डिसीज़ के लिए ये इतना वीक रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स है, ब्लड की सख्त ज़रूरत होता है। ब्लड देने से इमिडिएटली वो आदमी बच सकता है, मगर ब्लड नहीं मिल रहा है क्योंकि ब्लड देने वाला नहीं है, ब्लड देने में वो इंटरेस्ट नहीं है। ब्लड देने से वीक होता है बोल के लोगों में वो गलत ये है, उन लोगों को आइडिया नहीं है कि ब्लड देने से अपना हेल्थ भी सुधर सकता है और दूसरे को जीवन दान भी दे सकते हैं बोल के। सो 17 ईयर से दे सकते हैं, मैं जब बोला 40 ईयर से आगे लोग ज़्यादा दे रहे हैं, मगर यंग पीपल ऐसा आगे नहीं पा रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि वो वीक होते बोल के समझ रहे हैं क्या है, इसको एडुकेशन में भी इसको शामिल करना है। और अगर 2% ऑफ आवर यूथ, 2% जस्ट 2% ऑफ आवर यूथ अगर एक बार ब्लड दिए तो एंटायर ईयर को ब्लड आता है, एंटायर ईयर को इंडियन पॉपुलेशन को ब्लड मिल सकता है। वन टाइम 2% ऑफ आवर यूथ अगर आगे आके ब्लड दे सकते हैं। आपको मालूम है इतना सोशल मीडिया पे जोर दे रहे भैया, व्हाट्सएप, ट्विटर, क्या बोलते हैं, फेसबुक, एक आ गया तो लाइक, वो क्या लाइक होता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो सोशल मीडिया में इतना जोर हो रहा है, तो इसके बारे में होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। अनसंग अनहर्ड जाके दूसरों को ब्लड दे के आना है, दूसरों को जीवन दान दे के आना है, साइन करना है कि मेरे ज़िंदगी के बाद मैं मेरा आई देता देने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरा ऑर्गन देने के लिए तैयार हूँ, इससे पुण्य क्या हो सकता है। तो डॉक्टर्स भी थोड़ा हीलिंग डॉक्टर्स के रूप में आना है, जो डॉक्टर्स ब्रेन ड्रेन कम होना है, इंजीनियर्स में ब्रेन ड्रेन कम होना है, अपने लोगों को हम मदद करना है। जो अपने लोगों को जो मदद कर रहे हैं, पुलिस और डॉक्टर्स, दे आर फॉर 24/7 सर्विस ओरिएंटेड जॉब चाहिए। इसमें फैसिलिटीज़ के लिए नहीं सोचना, अपन क्या सोच रहा है कि लोगों को क्या सर्विस हम दे सकते हैं, कितना सर्विस दे सकते हैं। बाकी लोग अगर कुछ गलत करे तो कुछ नहीं हो सकता, मगर पुलिस वाला, डॉक्टर वाला इमीडिएट इमरजेंसी ड्यूटीज़ होता है, अगर हम कुछ गलत करें तो ज़िंदगी का सवाल हो सकता है। इसलिए मैं डॉक्टर्स को भी प्रणाम दे रहा हूँ जो अपने इंडिया में रह के लोगों को 24/7 इतना बड़ा पॉपुलेशन को वो लोग वाइज दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं बचाने के लिए। सो ऐसा भी पुलिस वाला भी 24/7 कर रहे हैं। आपको महसूस होना है, सोशल मीडिया में इसको लाना है कि कौन क्या कर रहा है।
और किसको हम